नमस्कार, मैं शरत शर्मा। मेरी उम्र 60 वर्ष है। मेरे 37 साल का मेरा कार्यकाल न्यूज़पेपर की दुनिया में ही रहा। मैं 19 साल की सर्विस के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से एज एडिटर रिटायर हुआ। और जब मैं 60 वर्ष का हो गया तो अब मैं एक पूरे 28,000 किलोमीटर की भारत यात्रा पर निकला हूँ, जिसमें मैं 29 राज्य, उनकी सबकी राजधानियाँ, 4 केंद्रीय शासित प्रदेश और भूटान, ये कवर कर रहा हूँ। और ये मेरा 7 महीने में मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं इस यात्रा को पूरी कर पाऊँगा। ये यात्रा जो है मेरी मार्च 18 को शुरू हुई और मैं अभी तक 24 राज्य पूरे कर चुका हूँ, 3 केंद्रीय शासित प्रदेश पूरा कर चुका हूँ और भूटान भी है। मैं अभी नासिक या 23,850 किलोमीटर करके इस शहर में आया हूँ। यहाँ से मेरा जो रास्ता है अब औरंगाबाद होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ होते हुए वापस घर जाने का है। ये जो यात्रा है इसके पीछे दो मेरे मेजर एक मिशन स्टेटमेंट्स रहे हैं कि हम देशवासी, जो मेरा कार्यकाल के दौरान मैंने जो नोटिस किया उसमें यही देखा कि हम लोग शहरों में जब आ जाते हैं तो अपने परिवार और नौकरी के या बिजनेस के एक चक्रव्यूह में इस तरह से फंसते हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान करना बंद कर देते हैं, सपने लेना भी शायद बंद कर देते हैं। कॉलेज स्कूल की एजुकेशन हमारी ख़त्म हुई, वो हमारी पहली पारी थी। दूसरी पारी हमारी बहुत लंबी होती है क्योंकि हमारा वो में परिवार भी हमको सेटल करना है, अपना जो है करियर भी देखना होता है। एक समय ऐसा आता है जब हम ये दोनों काम पूरे कर चुके होते हैं, हम रिटायर हो जाते हैं। वो एक समय ऐसा होता है जब हम अपने लिए अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अपने समाज को भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सेहत का ध्यान नहीं किया उसका नुकसान हमें वो तीसरी कार्यकाल में फर्क पड़ता है, तीसरी इनिंग्स में फ़र्क पड़ता है। हमारी सारी जमा पूंजी अस्पतालों के चक्कर में और डॉक्टरों के चक्कर में निकल जाती है। मेरा कहना सभी के लिए यही है कि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्पेशली जब हम नौकरी पेशे में लगे हैं, तो हमारी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बहुत सुखद होगी। हम समाज पर बोझ ना बन के हम कुछ दे ही पाएंगे। ये मेरा एक पहला था। मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासी, आज हम डायबिटीज़ का पूरा वर्ल्ड कैपिटल बन गए हैं और लोगों का कहना है कि अगर 2-3 साल और रहा तो हम कोलेस्ट्रॉल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाएंगे। यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और अस्पताल वालों के मजे हैं, हमें हमारे देशवासियों को ऐसा क्यों करना है। जीवन की यात्रा सुखद बनाइए, अपने शरीर का फिटनेस की ओर ध्यान दीजिए। ये मेरा पहला उद्देश्य था। सेकेंड उद्देश्य जो था वो मैंने बाइक जानबूझ के चूज़ की है। बाइक पर मैं अकेला चलता हूँ। मैंने अपने ही PF और ग्रेजुटी के पैसे से मैं ये देश भ्रमण पर निकला हूँ। हमारा देश जो है बाइकर्स की दुनिया है। हमारे देश में लास्ट ईयर 30,60,000 कार बिकी, मगर बाइक 1,70,00,000 से ऊपर बिके हैं। पिछले इस साल का अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का डेटा देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि 1,50,785 टोटल एक्सीडेंट डेथ्स में बाइकर्स 52,500 मरे हैं। 18.3% उनमें से इसलिए मरे कि उन्होंने हेलमेट नहीं डाली थी। एक नई कैटेगरी एक और खड़ी कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने, जिसमें 3,000 डेथ्स वाइल यूजिंग मोबाइल फोन्स हुआ है। मैं ये पूरी यात्रा, बाइक यात्रा, बिना मोबाइल के यूज़ करता हूँ। कोई मेरा GPS, नेविगेशन, कोई मैं टेलीफोन कॉल्स नहीं लेता, ना मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ड्राइविंग का डिस्ट्रैक्शन मानता हूँ, चाहे आप बाइक पे हों या कार पे हों। ये मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, मैं हेलमेट का इस्तेमाल करता हूँ। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप हेलमेट यूज़ कीजिए, पिलियन राइडर को भी हेलमेट डालने पे मजबूर कीजिए, और सड़कें जो हैं उन्हें रेसिंग ट्रैक मत बनाइए। उन्हें जीवन की यात्रा का एक सुखद साधन है, उस तरह से इस्तेमाल कीजिए। तो ये दो मैसेजेस मेरे हैं जो मैं लेके चला हुआ हूँ, और सोचता हूँ कि शायद ये बात सही जो यूजर्स हैं उन तक पहुंच पाए। और मेरी खुशी उसी दिन होगी जिस दिन हम भारतीय सेहत के मामले में बिल्कुल जाने जाएं कि हम सेहत वाला देश हैं, कमजोर बीमारों का देश ना है। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।